ये PLI स्कीम डेफिनेटली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है। जैसे आपने बताया कि बजटरी आउटले फॉर द PLI स्कीम वाज अबाउट 26,000 करोड़ एंड गवर्नमेंट हैड प्लान्ड कि अबाउट 42,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट आएगी ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री से, बट ऑल पुट टुगेदर अबाउट 75,000 करोड़ की एप्लीकेशन गई है फ्रॉम ऑटो कंपोनेंट एंड ऑटो मैन्युफैक्चरर्स विद द इंसेंटिव फ्रॉम अबाउट 8 to 18% मिलेगा इन द नेक्स्ट 5 years टाइम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है ऑटो और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए अगले 5 साल, बिकॉज ये हमें फोकस देता है एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए फोकस करने के लिए। एंड श्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्लान है ऑन अकाउंट ऑफ मेजर बूस्ट फॉर मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ना कि ये हमारे देश को बल्कि हमारे टीम प्लेयर्स को, हमारे कंपोनेंट इंडस्ट्री को बहुत अपॉर्चुनिटी देगा आगे बढ़ने के लिए, ना कि इंडिया में बट एक्सपोर्ट करने के लिए भी। हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट मिडनाइट आइसोलेशन। हर्षदा के पहले प्रश्न के उत्तर में आपने, अगर आप देखें, आकाश जी आपने बहुत बातें कहीं, लेकिन आप इस बढ़े हुए प्रोडक्शन को में पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे गियर अप कर रहे हैं? हाल ही में अगर आप देखें, आपने कुछ शॉपिंग करी, कुछ स्टेक बाय किए हैं। एग्जैक्टली एट मिंडा मैं अगर पूछूं कि आपके एक्सपेंशन प्लान्स कैसे हैं और इसको आप फाइनेंस कैसे करेंगे, और कुछ और टारगेट्स जो कि आपने एक्वायर करने के लिए तलाशें हो, कुछ बारे में बताएंगे अपने एक्सपेंशन प्लान के बारे में? जी, रिगार्डिंग PLI स्कीम जो है, करीबन ओवर 5 years हम प्लान कर रहे हैं अबाउट 350 से 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए ओनली फॉर PLI स्कीम। ऑफ कोर्स हमारा इंटरेस्ट रहता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिफिकेशन, EV प्रोडक्ट्स में हम इन्वेस्ट करें और उस एरिया में इन्वेस्ट करें जो कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स को फ्यूचर की रिस्पेक्ट पे लेके जाएगा। जो कि आज प्रोडक्ट्स मिंडा कॉरपोरेशन बनाता है सारे के सारे EV टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट से अग्नोस्टिक हैं। इसका मतलब जैसे EV आएगा हमारे प्रोडक्ट्स बेटर होंगे, चाहे वो लॉक इन की टू कीलेस एंट्री है, मैकेनिकल क्लस्टर टू इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर है, वायरिंग हार्नेस, सेंसर्स, इंटीरियर प्लास्टिक्स एंड अदर अदर EV प्रोडक्ट्स जैसे कि DC-DC कन्वर्टर, बैटरी चार्जर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो मिंडा कॉरपोरेशन इस तरह पे है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो ना कि इंडिया के लिए बट ओवरसीज के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए भी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एडवांस EV प्रोडक्ट्स की तरफ जाए। ऑफ कोर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज हम देख रहे हैं पार्टनरशिप्स के लिए भी और एक्विजिशंस के लिए भी, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम डेफिनेटली आपके पास जरूर बताएंगे। ये 300 to 350 to 400 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइमरली EV सेक्टर के लिए ही होगा आकाश? और क्या फंड्स हैं, या आपको फंड्स रेज करने पड़ेंगे? कितनी कैपेसिटी आप लगाएंगे? हमारे पास फंड्स हैं, मिंडा कॉरपोरेशन ने QIP रेज किया था 3 साल पहले, तो वो पैसा हमारे पास अभी भी है, तो हमें कोई फंड्स रेज करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होगी मोर ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी एंड उसके कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिकफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड कंपोनेंट्स के ऊपर रहेगी, इन टर्म्स ऑफ अडास, लाइट वेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेगी। एंड डेफिनेटली कैपेसिटी जो है हमारी, इन्वेस्टमेंट जो रहेगी वो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सेंटर केपेबिलिटीज पे रहेगी एंड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ दीज प्रोडक्ट लाइन्स।